आज इधर श्याम सुंदर ने जब वहां पर वंशी को बजाया है आधी रात में, और वंशी को जब श्याम ने बजाया है, इधर जैसे ही गोपियों ने वंशी की आवाज को सुना है, जब श्याम ने आधी रात में वंशी बजाई, ऐसी वो वंशी बजाई। अब देखो माफ करे, मैं बजा करके तो खैर नहीं दिखा सकता हूँ कि मैं आपको ये बता दूं कि श्याम ने कैसी वंशी बजाई। मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं ये आपको बता दूं कि श्याम ने वंशी को कैसी बजाया। लेकिन एक कवि कह रहा है, जब श्याम ने वंशी को बजाया है, जो गोपी जौन सा काम कर रही थी वो सब भूल गई। कोई तो गोपी रोटी कर रही थी, जैसे ही बसुरिया की धुन कान में पड़ी तो हाथ में रोटी लेके बज गई। यहां तक कि कोई गोपी अगर श्रृंगार कर रही है, लिपस्टिक होठों में लगाई जाती है, उसने बंसी की धुन को सुना है तो बाने काजल लगा लिया है। यहां तक कि कोई गोपी अपने पति के पैर दबा रही थी, जैसे ही बंसी की धुन उसके कानों में पड़ी है, उसने ये भी नहीं देखा है पति का पैर पकड़ा है, खींचती हुई ले जा रही है। पति कहने लगा है, तू जहां जा रही है वहां मर जाएगा, लेकिन हमारो पैर तो छोड़ दे। वंशी की धुन ऐसी।